नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल स्पिरिचुअल ट्री में। दोस्तों, सभी लोग अपने जीवन में पूजा पाठ रोजाना ही करते हैं या फिर कभी कभी भी करते हैं और मन में कुछ ना कुछ इच्छाएं रख कर ही करते हैं कि उनकी इच्छाएं पूरी हो जाएं। जो उनके जीवन में संकट चल रहे होते हैं उन्हें दूर करने के लिए पूजा पाठ हर एक व्यक्ति ही करता है और इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं उन सबकी यही कामना है कि भगवान उनकी बातों को सुन लें, उनकी इच्छाएं पूरी कर दें और उनके सब संकट को मिटा दें। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जब भी आप पूजा पाठ करते हैं तो भगवान की तरफ से जरूर ही कुछ ना कुछ संकेत आपको मिलता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है और वो इन संकेतों को बिल्कुल भी समझ ही नहीं पाते हैं। नहा धोकर पूजा पाठ करके वो अपने नित्य कर्मों में लग जाते हैं और जो संकेत मिला है उसे ना तो वो देख पाते हैं और ना ही समझ पाते हैं कि आगे उन्हें क्या करना है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार आपको इन संकेतों को समझना है, किस तरह भगवान संकेत देते हैं और कैसे आपको इन्हें समझना है। तो अंत तक इस वीडियो को ध्यान से देखें। अगर आपने हमारे चैनल स्पिरिचुअल ट्री को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन भी दबा दें जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको समय पर मिलते रहें और कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जब भी आप पूजा पाठ करते हैं तो पूजा पाठ में धूप दीप अगरबत्ती दीपक जलाना यह सभी चीजें तो करते ही हैं, लेकिन काफी लोग घंटी बजाना फूल आदि चढ़ाना भी यह सब चीजें भी करते हैं और मंत्रों का जाप भी करते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जैसे ही जब आप दीपक जलाते हैं और जो भी इच्छा या जो भी चीज़ आपके मन में चल रही होती है, जैसे कि अगर आपके जीवन में कोई संकट है जिससे आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा परेशानी खड़ी हो रही है और वो चीज़ आपके मन में चल रही होती है, जब आप भगवान के सामने दीपक जलाते हैं तो आप दीपक की जो लौ है उसको ध्यान से देखें। जैसे कि दीपक जलाने के बाद आप ओम नमः शिवाय का या जिस भी मंत्र का आप जाप करते हैं उस मंत्र का जाप करते समय आप उस दीपक की लौ को देखा करें, उसमें कुछ ना कुछ आकृति आपको जरूर ही देखने को मिलेगी और बस यही संकेत होता है कि भगवान आपकी सारी बातों को सुन रहे हैं। और जैसे ही आपको कोई भी आकृति उसमें दिखाई देती है जो बाकी दिनों से बिल्कुल अलग होती है तो उसी समय आप समझ जाएं कि भगवान के आप बिल्कुल निकट ही बैठ गए हैं और सभी मनोकामनाएं आप उसी समय में बोल दिया करें। ठीक इसी प्रकार से जैसे आप धूप दीप आदि जलाते हैं, अगरबत्ती धूप बत्ती जलाते हैं, तो जब आप धूप बत्ती जलाएंगे तो उसे जलाने के बाद धुआं एकदम से ऊपर की ओर उठता है और उसी के ऊपर यानी कि धुएं के ऊपर ही लौ यानी कि अग्नि की जो लौ होती है वो भी धुएं के ऊपर आपको काफी ऊंचाई तक दिखती है। अगर ऐसा दिखता है तो भी आप समझ जाएं कि आप भगवान के बिल्कुल निकट हैं। उसी समय बस अपनी मनोकामना इच्छा आप बोल दिया करें और जो भी संकट आपके जीवन में चल रहे हो उनको दूर करने के लिए प्रार्थना कर दिया करें और क्षमा भी अपनी सब गलतियों के लिए मांग लिया करें, क्योंकि इंसान अपने जीवन में बहुत ज़्यादा गलतियाँ करता है, क्योंकि इंसान तो गलतियों का पुतला ही कहलाता है और वो इंसान जो अपनी गलतियों को मान ले और रोज़ भगवान के सामने कान पकड़कर क्षमा मांगे वो महान हो जाता है, क्योंकि अपनी गलतियों को स्वीकार करना भी एक महानता का ही कार्य है। तो आप नित्य प्रतिदिन रोज भगवान के सामने क्षमा मांगा करें, चाहे आपको पता कुछ भी ना हो कि आपने क्या गलती की है, लेकिन फिर भी जैसे दुर्गा सप्तशती में क्षमा प्रार्थना है तो आप उस क्षमा प्रार्थना को याद कर सकते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जो कोई भी व्यक्ति नित्य प्रतिदिन दुर्गा देवी के सामने क्षमा प्रार्थना को पढ़ता है, क्षमा मांगता है, उसके जीवन के सभी पाप दोष समाप्त हो जाते हैं और उसे वाक सिद्धि की प्राप्ति होती है, यानी कि वो अपनी वाणी से सभी लोगों को वशीभूत कर लेता है, अपनी आंखों के ऊर्जाओं से सभी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है, फिर कोई भी उसके विरुद्ध नहीं जा पाता है। तो इतने ज़्यादा लाभ आपको इन सब चीज़ों से मिलते हैं। और अगर आप चालीसा या आरती पढ़ते समय घंटी बजाते हैं तो आप देखेंगे कि अगर आप उस घंटी की आवाज़ को ध्यान से सुने और कोई भी घंटी की जो ध्वनि है वो आपके कान में बिल्कुल अंदर घुसकर एक बीप का साउंड अगर लाती है तो भी आप समझ जाएं कि यह संकेत सीधा आपको भगवान से ही प्राप्त हुआ है। बस इन संकेतों का लाभ उठाया करें, उसी समय मनोकामनाएं इच्छाएं अपनी बोल दिया करें, क्योंकि वह निश्चित ही पूरी होती है। यह जानकारी बड़ी ही ज़्यादा दुर्लभ है जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होती है, जो कि आने वाले वीडियोस में हम और भी ज़्यादा अधिक आपको बताएंगे। तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में
अपना मंत्र लिखें, जिस मंत्र का आप जाप करते हैं रोजाना पूजा पाठ के समय, उस मंत्र को आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दें, जिससे आने वाले कोई भी वीडियो मिस ना हो। धन्यवाद।